हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। लास्ट वाला टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था कि कैलकुलेशन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की, जो डिफरेंट डिफरेंट की यूनिट सेल है SCC, FCC, BCC, ECC, उनमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेशन करना हमने आपको सिखाया था कि कैसे SCC में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, FCC में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, BCC में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और ECC में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। और उससे रिलेटेड हमने एक दो छोटे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज का हमारा टॉपिक है कि क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, ये कैसे करेंगे, इसको समझते हैं पहले इनकी डिफिनेशन से, और इनको पहले समझते हैं कि कैसे इनके डिफरेंट वे हैं कि किसी क्रिस्टल के अंदर कि क्लोज पैकिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपको एक बॉक्स देता हूँ और उस बॉक्स में आपको नंबर ऑफ लड्डू को क्या करना है, भरना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं भरने के लिए। आप ये सोचो कि पहले या मैं आपको ये कंडीशन दे दूँ, या अपने आप से ये सोचो कि इसमें जो मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए और उसमें मिनिमम एम्प्टी स्पेस बचे, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाए, हाई हो जाए, और जिसकी वजह से ऐसे टाइप के जो आपके जो पैकिंग होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको जो भरने हैं, जो कि आपके पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम आपको मान लेना है, जूम कर लेना है कि वो एक हार्ड स्फीयर आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं, एक हार्ड स्फीयर आइडेंटिकल साइज के होते हैं आपके क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। आप ऐसे बना सकते हो, लिख सकते हो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम एक हार्ड स्फीयर क्या मान सकते हैं, इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को मान सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका डिफिनेशन, इसको कैसे लिख सकते हो, लिखोगे कैसे डिफिनेशन, कि द मैक्सिमम द ऑक्यूपाइड मैक्सिमम अवेलेबल मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस एंड मिनिमम इम्प्टी स्पेस एंड हैंस द मैक्सिमम डेंसिटी क्रिस्टल। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। तो हमने कहा कि जितना भी मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस होगा या मिनिमम इम्प्टी स्पेस होगी, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाए बेटा, मैक्सिमम हो जाए, और ऐसे टाइप के पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, कि क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल करते हैं। अब हमें यहाँ पर जो भी एक स्टूडेंट पार्टिकल को जो हमें पैकिंग करना है उसको हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि वो एक हार्ड स्फीयर है। अब हमें क्रिस्टल के अंदर उस स्फीयर को किस तरह से अरेंजमेंट करना है, वही हमें उसको जो उसका अरेंजमेंट होगा वो यही होना चाहिए कि उसमें जो मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस क्या कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करे, या मिनिमम उनके अंदर कम से कम खाली जगह बचे और उसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो इस टाइप के पैकिंग को ही हम क्या करते हैं, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल कहते हैं। अब ये जो क्लोज पैकिंग क्रिस्टल जो होता है, दे आर द थ्री वे, इसके पास कितने वे होते हैं, तीन रास्ते, यानी तीन वे होते हैं इसके लिए, तीन स्टेप से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। कि वो कैसे कैसे हैं, उस स्टेप है कौन कौन से स्टेप हैं आपके, उसको नोट कर लेते हैं। इतना तक आपने लिख लिया, ठीक है बेटा, है ठीक है। ये आपकी डिफिनेशन है इसकी, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल की। अब आपको ये बताने चल रहे हैं कि ये क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल हो रहा है, इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो तीन बड़े स्टेप होते हैं, जैसे पहला होता है आपका कि क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल
ठीक है। दूसरा आपका होता है ए क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, ठीक है। तो तीसरा होता है आपका वो होता है कि क्लोज पैकिंग इन 3D। आप बार बार में उसको डायमेंशन में कह सकते हो, 3D भी सकते हो उसको, आप 2D भी सकते हो, आप इसको कह सकते हो 1D। मतलब हमें क्लोज पैकिंग किसमें किसमें पढ़ना है, 1D या फिर 2D में या फिर किसमें करनी है 3D में। यानी इस क्लोज पैकिंग को हमें 1D में कर सकते हैं, 2D में पैकिंग कर सकते हैं और किसमें कर सकते हैं हम 3D में भी पैकिंग कर सकते हैं। कि इन्हीं तीन स्टेप को, एक एक स्टेप को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आपको क्लोज पैकिंग इन 1D यानी 1D बताएंगे और क्लोज पैकिंग इन 2D किसमें बताएंगे, 2D भी बताएंगे। और जो क्लोज पैकिंग इन 3D है वो इसी से बनता है, 2D से। यानी कि क्लोज पैकिंग इन 2D से हम क्या बना सकते हैं कि क्लोज पैकिंग इन 3D बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 1D और 2D को क्या है समझना है। तो पहला हेडिंग लगा लेते हैं कि क्लोज पैकिंग इन 1D। अब देखो इसमें ये होता है कि जो भी हमारे पास स्पेयर होता है, यानी ओनली वन वे, एक ही रास्ता जिसमें है, ठीक है। जैसे हमने मान लो स्पेयर ले रहे हैं इस तरह से, थोड़ा सा सीधा बनाना है इस तरह से, तो आप देखो यहाँ पे जो भी मैंने स्पेयर रखा है तो सिंगल एक वर्टिकल रो में, देखो वर्टिकल में है, लेकिन रो में रखा हुआ है और ये एक ही में है, एक ही वे में, एक ही रास्ते में है, एक ही वे में है। इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि 1D बोलते हैं, 1D में बोलते हैं। अब यहाँ पे 1D का मतलब क्या होता है, इसके जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, अभी सेंटर पॉइंट देखो, सेंटर पॉइंट को आप मैच कर दो एक एटम से दूसरे एटम से, आपको एक सिंगल ही वे मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, एक सिंगल वे मिलेगा। आप इनको क्या कर दो, मैच कर दो, तो आपको एक सिंगल वे मिल जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 1D क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि क्लोज पैकिंग इन 1D। तो ये इसमें क्या होता है कि एक स्पेयर दूसरे स्पेयर से टचिंग होता है इन रो में, एक रो में एक स्पेयर दूसरे स्पेयर से क्या होता है बेटा, टचिंग होता है, एक दूसरे से क्या होता है, टच हुआ होता है, जिसमें एक रो बन जाता है। और ये रो क्या होता है आपके इसके अंदर, आपको ये भी देखना होगा कि अगर मैं किसी एक पार्टिकुलर स्पेयर की बात करूँ, देखो जैसे मान लो इस स्पेयर की बात करूँ, एक पार्टिकुलर स्पेयर की, तो बताओ ये पार्टिकुलर स्पेयर अपने नियरेस्ट अपने स्पेयर से, नियरेस्ट नेबरिंग स्पेयर से कितने स्पेयर से जुड़ा हुआ। तो देखो इस पार्टिकुलर की बात करूँ तो इसके जस्ट नियरेस्ट नेबरिंग स्पेयर कौन सा, एक ये है और एक ये है, जिसकी वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल के अंदर दो स्पेयर होते हैं, दो एटम जो होते हैं नियरेस्ट नेबरिंग कितने टू टच टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से कितना टच होता है। जैसे अगर मैं कहूँ इस पार्टिकल इस स्पेयर की बात करूँ, तो ये स्पेयर अपने नियरेस्ट नेबरिंग स्पेयर कौन है, एक ये हुआ, एक बाकी ये सटे हैं, मतलब ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, टच हैं, बट हमें इसके नियरेस्ट नेबरिंग वाला देखना है। तो इसके जस्ट नियरेस्ट नेबरिंग कौन होगा, ये, और इसके जस्ट नियरेस्ट नेबरिंग कौन होगा, ये। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब क्लोज पैकिंग 1D होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। हालांकि मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे एक अलग से टॉपिक आएगी, वहां पे भी हम इस चीज को समझेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। हर एक क्लोज पैकिंग के अंदर, हर एक डायमेंशनल के अंदर, स्टेप के अंदर आपको क्या मिलता जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, पैकिंग कौन सा है, ये पैकिंग आपका कहलाता है कि क्लोज पैकिंग इन 1D, जिसमें ओनली वन वे, एक ही रास्ता हो उसके अंदर, उसी को हम बोलते हैं 1D होते हैं। 1D अगर कोई बोले तो सिर्फ ओनली वन वे, उसका मतलब क्या होता है, 1D होता है, जिसके अंदर क्या होता है, शुड बी टच इन रो टू ईच अदर, एक रो के अंदर जो स्पेयर होते हैं वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे से टच होने चाहिए, जिसकी वजह से इनका एक पर्टिकुलर स्पेयर में बात करो तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 2 होगा। तो आप इसको नोट कर लो और इसको आप समझ लो कि आपको 1D किसे कहते हैं। सिर्फ आप लिख सकते हैं कि ओनली वन वे इन क्लोज पैकिंग इन 1D स्ट्रक्चर। उसके आगे आप लिख सकते हैं द स्पेयर शुड बी टचिंग टू ईच अदर इन रो, इज कॉल क्लोज पैकिंग इन 1D। ये हो गया आपका, इसको आप कॉपी कर लो, फिर आगे आपको लगाते हैं हेडिंग लगाओ क्लोज पैकिंग इन 2D। क्लोज पैकिंग इन 2D।
इन टू डी। देखो इसके भी दर दो है, इसके भी दो रास्ते होंगे आपको। अब आपके रास्ते कैसे हैं कि मैंने आपको बोला है कि आप एक बॉक्स ले लो, उसके अंदर आपको क्या करना है, नंबर आप लड्डू को क्या करना है भरना है। तो आपके पास दो रास्ते होंगे भरने के लिए। आप पे एक सोचोगे एक लड्डू के ऊपर रखें, एक लड्डू जो है एक लड्डू के जस्ट उसके अबव एग्जैक्टली उसके क्या करेंगे ऊपर रखेंगे। एक तो ये रास्ता है। दूसरा एक रास्ता ये भी हो सकता है कि एक लड्डू और दो लड्डू के बीच का जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन मतलब जो उनके बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पे भी आप रख सकते हो, क्योंकि क्लोज पैकिंग की डिफिनेशन ही हमने क्या कहा था, जिसमें मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस क्या क्या कर सकते हैं एक्यूपाई कर ले या उसमें कम से कम खाली जगह बचे, जिसकी वजह से उस बॉक्स की जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए। तो यानी यहाँ पे वो दो तरीके हो सकते हैं, यानी कि जो लेयर होता है, यानी कि जब स्कैड हो जाता है पूरा रो टू ईच अदर स्पेयर से, जब एक बैग दूसरे स्पेयर से जब पूरी रो क्या हो जाती है स्कैड हो जाती है, स्कैड क्या हो जाती पूरी खड़ी हो जाती है, जब एक रो पूरी तरह से खड़ी हो जाती है एक दूसरे रो से, तो उसको हम क्या बोलते हैं टू डायमेंशनल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो उसमें होता है कैसे कि एक तो आपका एक रास्ता यहाँ से होगा और दूसरा आपको मैं बताऊँगा यहाँ से कि कैसे कैसे इसको हम पैकिंग कर सकते हैं। तो जो पहला इस पहला जो आपका रास्ता होगा उसमें जो मान लो कि मैं रो बना रहा हूँ, पहले आप कैसे देखो कि मान लो एक यहाँ है एक यहाँ मिल गया, इसको लेते हैं तो सीधा बन जाए। ये एक सिंगल जो वन वे जो आपको वन डायमेंशनल देखा था ए ही वे में। अब दूसरा जो आपका फर्स्ट लेयर उसको आप मान लो ए टाइप का पैटर्न है, ठीक है। अब आपको जो दूसरा लेयर आएगा वो फर्स्ट लेयर के जस्ट एग्जिट उसके ऊपर रहेगा, तो यानी दूसरा लेयर यहाँ से लो तो इस तरह से आप आएगा। फिर इसी जस्ट ऊपर ये भी देख रहा हूँ, आपको देख रहे ये टूटी में है, आपको दिखा रहा हूँ कि एक ये रे है, यानी एक वे रास्ता एक रो ये है, उसके जस्ट ऊपर मान लो ए भी उसी में ही रखा गया तो ए भी कौन सा पैटर्न आएगा ए आएगा, जस्ट इसके ऊपर ओ भी रखा गया ओ भी कौन सा पैटर्न आएगा ए आएगा। मतलब इसको हम कौन से टाइप के पैटर्न बोलते हैं ए ए टाइप के पैटर्न को बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए ए टाइप अरेंजमेंट बोल सकते हो, आप कह सकते हो इसको अरेंजमेंट कह सकते हो या पैटर्न बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें इस तरह से एक पैटर्न ये कर सकते हो कि एक रे आपने बनाया, सॉरी एक वे आपने बनाया, रे नहीं एक वे आपने बनाया, रो एक आपने बनाया, उसके ऊपर जस्ट एक लड्डू आपने रखा, ठीक है, उसके ऊपर जस्ट एक लड्डू रखा। तो जो पहला वे था आपका, जो पहला जो आपका जो टाइप था कौन सा था आपका ए टाइप का, तो जस्ट उसके ऊपर रखा वही लड्डू रखे गए हैं वही स्पेयर रखे गए हैं, वो आपका कौन सा टाइप हो गया दूसरा ए टाइप, जस्ट उसके ऊपर तीसरा रखा है वो भी आपका कौन सा हो गया तीसरा ए टाइप का हो गया। तो इस तरह से आप पैकिंग करोगे तो इसको हम बोलते हैं कि फ्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन में। अच्छा अब यहाँ पर एक इससे ज्योमेट्री बनती है, इससे कौन सी ज्योमेट्री बनेगी उसकी बात मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आप एक कोई भी पार्टिकुलर स्पेयर को देखो कि कितने वो पार्टिकुलर स्पेयर से टच है। मान लो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इससे टच है, ये इससे टच है, ये इससे टच है और ये इससे टच है आपका इससे टच है। तो देखो इससे आप यहाँ पे अगर ज्वाइन कर दो इसे तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा आपको एक स्क्वायर, इससे इसका नाम क्या बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको हम स्क्वायर स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में इसका कौन सी ज्योमेट्री मिलेगा हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अच्छा बताओ क्वाड्रेंट नंबर कितना होगा, मैंने अभी बताया था क्वाड्रेंट नंबर कि एक कोई भी पार्टिकुलर स्फीयर और कितने पार्टिकुलर कितने दूसरे स्फीयर से टच है, देखो ये इससे टच है इससे टच है इससे इससे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। तो पहला जो इसका टू डायमेंशनल का जो पहला जो पैटर्न है जो पहला इसका अरेंजमेंट है स्फीयर करने का वो इस तरह से कौन सा टाइप होगा ए ए टाइप का पैटर्न होगा अरेंजमेंट होगा, जिसको हम एक ज्योमेट्री में कौन सी स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल का इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 2 होता है। मतलब एक तो हमने क्या किया एक लड्डू के ऊपर जस्ट एक लड्डू रखा, जस्ट उसके ऊपर एक लड्डू रखा, एक वे बनाने के लिए इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की तरह क्या होता जाएगा रो पूरी तरह से क्या हो जाएगी खड़ी हो जाएगी, उसको हम ए ए टाइप में देखो आपका ये वर्टिकल हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा इस तरह से हॉरिजॉन्टल बनता जाएगा। तो ए ए ए टाइप का होता जा रहा है, इसको हम कौन सा अगर इसमें से हम कोई भी पार्टिकुलर स्पेयर को उठाते हैं और कितने स्पेयर से टच होता है तो देखा उसको चार स्पेस पे जो ज्योमेट्री बनी कौन सी बनी स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 4 आया। इसको नोट करो तो आपको दूसरी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बताते हैं।
मतलब आपको सीधा एक लड्डू के ऊपर एक लड्डू रखना है और रखते 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 क्या करोगे, एक पूरी रो खड़ी हो जाएगी, स्टैक हो जाएगी पूरी रो, तो एक दूसरे से फिर एक वर्टिकल या फिर एक हॉरिजॉन्टल, और उसमें क्या करोगे आप किसी भी इस पार्टिकुलर स्फीयर को किसी भी पार्टिकुलर स्फीयर से आप क्या करोगे ज्योमेट्री उसको बनाओगे, उसकी कौन सी ज्योमेट्री बनी आपकी स्क्वायर और स्पेकिंग की ज्योमेट्री बनी बेटा इसको बेटा। अब आपको हम दिखाते हैं इसकी दूसरी अरेंजमेंट कैसी होती है, दूसरा अरेंजमेंट देखो, दूसरा जो अरेंजमेंट है जो पहला जो रो है आपका वो आपको एक वन में रखना है, वन डायमेंशनल में रखना है, यानी इस तरह से जिस तरह से बना रहा हूँ आपको उसी तरीके से काम करना है, इस तरह से बनाते हैं तो सीधा आपका बनेगा। एक तो आपका ए टाइप का पैटर्न बन चुका है, कौन से टाइप का बन गया बताइए, ए टाइप का। अब मुझे इसका दूसरा, एक तो मैंने कहा कि एक ऊपर एक रख सकते हैं जिससे हमें कौन सी ज्योमेट्री मिली स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिली जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलेगा। दूसरा आप इसका पैकिंग कहा कर सकते हैं कि इन दो स्पेयर के बीच यानी इसके डिफ्रेशन में हम सेकंड लेयर लाते हैं, सेकंड लेयर के स्पेयर को लाकर क्या करते हैं प्लेस करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो सेकंड लेयर है वो टेक प्लेस द डिफ्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ द स्पेयर, यानी ऐसे बोल सकते हो कि जो जो हमारा सेकंड लेयर आएगा वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन जहाँ होता है वहाँ पे क्या करते हैं सेकंड लेयर को रखते हैं, तो सेकंड लेयर अभी आपको यहाँ इन दोनों के स्पेस में बनाकर रखना होगा इस तरीके से। एक्यूपाई तो ये जो आपका दूसरा लेयर आया ये आपका बी टाइप का उसको क्या कर जाएगा एक्यूपाई कर जाएगा उसी तरह से वो मिल जाएगा, इसलिए यहां से इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से ये कौन सा टाइप आएगा ए टाइप, फिर इन दोनों के बीच का जो डिप्रेशन होगा वहां पे रखोगे आप इस ये कौन सा टाइप आएगा बी टाइप आएगा। तो आपको देखो यहां पे जो अरेंजमेंट हो रहा है इस पेयर का वो कौन सा अरेंजमेंट हो रहा है ए बी ए बी टाइप का हो रहा है, कौन सा टाइप हो रहा है ए बी टाइप का अरेंजमेंट हो रहा है, या आप बोल सकते हो पैटर्न का हो रहा है ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो पैटर्न का हो रहा है, या आप कह सकते हो अरेंजमेंट टाइप का भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि एक तो पैकिंग आपकी एक ऊपर एक रखा, दूसरा हमारा ये था कि जो पहला जो जो हमारा सेकंड जो पहला जो स्पेयर होता है उसके ऊपर जो सेकंड लेयर जो हम तब रख सकते हैं वो जो फर्स्ट लेयर के स्पेयर के जो डिफ्रेशन होता है, डिफ्रेशन मतलब ये वाला पॉइंट देखो उसको के बीच में डिफ्रेशन इसको बोलते हैं, तो ये स्पेयर में हम क्या करते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं दूसरा लेयर ला के टैग करते हैं रखते हैं यहाँ पे ठीक है। तो इसके बाद ये आपका ए टाइप का हो गया, फिर आपका दूसरा बी टाइप हो गया, फिर से आपको ए टाइप का मिलेगा लेकिन जस्ट उसको आप एडप करेगा उसके ऊपर रखोगे तो फिर उसके बाद उसको डिप्रेशन रखोगे तो आपको बी, तो ये अरेंजमेंट आपका किस तरह से बनता जा रहा है ए बी ए बी ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता जा रहा है। अच्छा अब यहाँ पे भी आपको ये भी देखना है कि एक पार्टिकुलर जो स्पेयर है वो कितने स्पेयर से टच करेगा उससे कौन सी ज्योमेट्री बन सकती है, देखो इस बात की मान लो ये मैं इसकी बात करूँ तो ये इससे टच होगा, ये इससे टच होगा, ये इससे टच होगा, ये इससे टच होगा, और ये क्या होगा आपका इससे यहाँ पे ये टच होगी, तो इससे ये ज्योमेट्री आपकी बन रही है एक हेक्सागोनल की ज्योमेट्री बन रही है, इसका मतलब ये हेक्सागोनल यहाँ पर लिख सकते हो कि हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 यानी ये कितने अलग से जुड़े 6 होगा। अब ये हेक्सागोनल जो आपका बनेगा पूरा जो बनेगा उसका जो मेन ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 12 आएगा, क्योंकि एक बॉटम में कितने होते हैं 6 होते हैं, इसके ऊपर एक रखोगे आपको क्या होगा यानी इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसमें कितना होता है आपके इसमें होते हैं आपके कितने स्पेयर 6 स्पेयर इसके आपके एक पर्टिकुलर स्पेयर से क्या होता है टच होते हैं, इससे जिसका इसका जो वो बनता है शेप जो बनता है जो ज्योमेट्री बनती है वो क्या होती है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा इसका 6 होगा, तो ये आपका कौन सा क्लोज पैकिंग हो गया टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल में कि कैसे कैसे रखते हैं, एक वन डायमेंशनल एक टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल सिर्फ ओनली वन वे में होता है ठीक है, टू डायमेंशनल हमें दो तरीके से मिला, एक पे एक लेयर जस्ट उसके ऊपर
ऊपर दूसरा लेयर, जस्ट उसके ऊपर तीसरा, तो ए टाइप का अरेंजमेंट, जिसको अगर हम कोई एक पार्टिकुलर स्फीयर को अगर हम एक दूसरे से टच कराएं, एक पार्टिकुलर स्फीयर कितने दूसरे और पार्टिकुलर और दूसरे स्फीयर से टच है वो हमने देखा, उसके चार टच थे, इसलिए जो ज्योमेट्री उसकी बनी थी उसकी बनी स्क्वायर क्लोज पेंटिंग बनी। इसमें हमने देखा अरेंजमेंट कैसे किया कि एक तो हमारा फर्स्ट ले तो ऐसे ही है जो पहले से आ रहा था ए टाइप का था, दूसरा हमने क्या किया कि फर्स्ट जो लेयर है उसके डिप्रेशन में हमने क्या किया है अरेंजमेंट किया, और अरेंजमेंट किया तो उससे ए बी टाइप के अरेंजमेंट मिला, और उसमें हमने देखा एक पार्टिकुलर स्फीयर सिक्स पार्टिकुलर स्फीयर से क्या बेटा टच है, जिससे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स और जिससे ज्योमेट्री बनी कौन सी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट जो हमारा बन रहेगा तीसरा स्टेप वो होगा कि क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशनल, और वो भी किससे बनेगा इन क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। कहने के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पे कि आपका जो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगी, यहाँ पे बता दूँ थ्री डायमेंशनल वो आपके बनेंगे, एक तो ये चीज जो हमारा पहले बना था स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, और दूसरा बनेगा इसी से कि हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, इससे एक बनेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिससे हमें एक क्यूबिक लेटाइस मिलेगी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जब हम अरेंजमेंट करेंगे बेटा तो हमें एक क्यूबिक लेटाइस मिलेगी, और जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से करेंगे तो एक हमें मिलेगी कि सीसीपी टाइप का, यानी इसका अरेंजमेंट बताएगी आपको, तो इसमें एक सीसीपी टाइप यानी क्यूबिक क्लोज टाइप का मिलेगा जो कि इसके बराबर होता है, एक एफसीसी के बराबर होता है, यानी कि एक फेस क्यूबिक क्लोज क्यूबिक क्रिस्टल के बराबर होता है। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि कैसे थ्री डी यानी थ्री डी का अरेंजमेंट कैसे होगा, थ्री डी का क्लोज पैकिंग कैसे होगा टू डी के क्लोज पैकिंग से, यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग से और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से कैसे अरेंजमेंट होगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ओके थैंक यू। और तब तक आप क्या करना है इसको अरेंजमेंट देखो, इसको इसकी मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ।